ग्वालियर की रहने वाले राधिका एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। इनकम भी ठीक ठाक है। हाल ही में उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, कार्ड की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन जब कार्ड आया तो उनके पिताजी ने इसे वापस लौटा दिया। राधिका उस वक्त घर पर नहीं थी। जब वे लौटी तो उन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ी। पिताजी के अनुसार क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक तरीके का जंजाल है, इससे क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है और आगे लोन लेने में कठिनाई होगी। दरअसल राधिका के पिता ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ मिथकों के कारण अपनी धारणा बना ली थी। राधिका के पिता की तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को बुरी बात मानते हैं, इसे कर्ज के जंजाल में फंसने का जरिया भी मानते हैं और इसे दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास तो एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, कईयों के पास 3 से 4 होते हैं। अगर राधिका के पापा का फॉर्मूला चले तो इन लोगों का क्रेडिट स्कोर बहुत ही बुरा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मात्र एक मिथक है। क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसा करते रहेंगे तो 2 से 5 क्रेडिट कार्ड हो तो भी क्रेडिट स्कोर आपका खराब नहीं होगा, उल्टा बेहतर ही होगा। आइए इस वीडियो में ऐसे ही मिथकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेकर पहली गलत बात जो मार्केट में मौजूद है वो है, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं रखने चाहिए, इससे क्रेडिट स्कोर खराब होता है। लेकिन सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होना भी ठीक बात नहीं है, इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो खराब होता है। यहाँ पहले क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को समझ लेते हैं। ये आपके कार्ड पर मिली क्रेडिट लिमिट और आपने कितने क्रेडिट का इस्तेमाल किया है उसका रेशियो है। अगर एक कार्ड पर इस रेशियो का अधिकतम इस्तेमाल कर लिया तो इसका आपकी कर्ज लेने की क्षमता को लेकर नेगेटिव मैसेज जाता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड हो तो आप अपना खर्च बांट सकते हैं, ऐसे हर कार्ड पर ये रेशियो सही लिमिट में बना रहेगा। तो एक से ज्यादा कार्ड होगा तो भी कोई बुरी चीज नहीं है। क्रेडिट स्कोर से दूरी की एक और वजह क्रेडिट स्कोर खराब होना है, लेकिन ये झूठ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का समय पर भुगतान करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर ही होगा। इसके साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी तैयार होगी। बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोगों को बैंक लोन नहीं देती है। ऐसे में अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट को ध्यान में रखें और समय पर पूरे बिल या EMI का भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक और बात लोग मानते हैं वो है, जिन क्रेडिट की एनुअल फीस ज्यादा होती है वे क्रेडिट कार्ड महंगे पड़ते हैं। सच्चाई ये है कि जिन कार्ड में एनुअल फीस लगती है वहाँ आमतौर पर ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और दूसरे ब्रांड्स के साथ टाई अप होता है जिससे आपको डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस भी मिलता है। इसके अलावा अक्सर लोगों का मानना है कि क्रेडिट कार्ड बंद कराने से क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने पर बैंक के पास आपका क्रेडिट एक्सेस करने में दिक्कत होगी, इससे आपको लोन मिलने में मुश्किल आ सकती है। एक सबसे बड़ी भूल मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से भी जुड़ा है। कई लोग मानते हैं कि हर महीने मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट किया तो हो गई छुट्टी। ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मिनिमम ड्यू पे करने से आप केवल लेट पेमेंट पर लगने वाली पेनल्टी से बच जाएंगे, लेकिन बाकी के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर आपसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा। ये इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन की तारीख से लगाया जाएगा, इससे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल काफी बढ़ सकता है। आखिरी में बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट की। अक्सर लोग मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ने से आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। सच्चाई है कि अगर बैंक आपकी लिमिट बढ़ाता है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का काफी जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करते रहे हैं, तो बैंक आपको एक अच्छा कस्टमर मानता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड से जुड़ी इन मिथकों पर आप ध्यान न दें। आपके पास क्रेडिट कार्ड 1 हो या 4, अगर आप अनुशासन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो सही इस्तेमाल से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सही बनी रहेगी।